TVD-1 के टेस्ट के लिए इसरो ने एक उड़ते रॉकेट को फेल किया जानबूझकर गगनयान की सेफ्टी सिस्टम टेस्ट करने के लिए। मैं वो प्री लॉन्च की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ लॉन्च पैड पे कुछ हुआ, उड़ते उड़ते जब फाइनल टेस्ट हुआ तब की बात कर रहा हूँ। और बोनस चीज ये है कि यही रॉकेट भारत के NGLV रियूजेबल रॉकेट की फाउंडेशन बनेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे TVD-1 के बारे में। मैंने जब लाइव स्ट्रीम के टाइटल में फेलियर वगैरह रखा तो काफी लोग ऑफेंड हो गए कि ये क्या फेलियर वगैरह क्या, बट इनकी गलती नहीं है। इन्हें नहीं समझता है कि इंजीनियरिंग में फेलियर के लिए डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको लाइव स्ट्रीम दिख रहा है अभी स्क्रीन के ऊपर, जो नीचे का इंटरफेस है वो मैंने ही कोड किया है पाइथन में। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे को वर्किंग कोड लिखना बहुत आसान है, राइट? बट एक ऐसा कोड लिखना जो कभी फेल ना हो, और फेल होता भी है तो अच्छी तरह हैंडल कर उस फेलियर को, वो उसमें बहुत टाइम जाता है। ये सेम चीज अप्लाई होती है गगनयान के लिए भी। देखो, एक नॉर्मल रॉकेट उड़ते उड़ते फेल हो गया, आग लगी, ब्लास्ट हुआ, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कुछ पैसा का लॉस होगा जो हम रिप्लेस कर सकते हैं, एक और रॉकेट बना सकते हैं। पर गगनयान के टाइम इंसान होंगे अंदर, अपने लोग होंगे अंदर। अगर ये फेल हुआ और हमारे इंसानों का लॉस हुआ, भारतीयों का लॉस हुआ, तो देश का नाम तो खराब होगा ही, पर इसरो को भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए। इसलिए इसरो जब गगनयान डेवलप कर रहा है, फेलियर अज्यूम करेगा वो कि होगा ये कभी ना कभी फेल, पर जब फेल होगा तब हम इंसानों को कैसे बचाए। देखो, ऐसा कुछ दिखेगा गगनयान का रॉकेट, इसे इसरो कभी कभी HRLV कहता है, कभी कभी कुछ और। ये LVM3 जो हमारा रॉकेट GSLV Mark 3, उसका ह्यूमन रेटेड वर्जन है। इसके ऊपर एक कैप्सूल होगा, एकदम छोटा सा पार्ट, इसके अंदर इंसान बैठे होंगे। अभी सपोज वो अंदर बैठ गए, ठीक है, और रॉकेट पैड के ऊपर है और रॉकेट को लग गई आग या ब्लास्ट हो गया रॉकेट, देन क्या होगा? उस केस में ऊपर ये जो टावर दिख रहा है आपको, ये काम आएगा। इसके ऊपर छोटे छोटे इंजन लगे जो फायर करेंगे और दूर लेके जाएंगे एस्ट्रोनॉट्स को। इसका टेस्ट ऑलरेडी कर चुका है इसरो, जिसका नाम था पैट, यानी पैड अबॉर्ट टेस्ट। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हो ऊपर के वो इंजन फायर करते हैं, फिर वो इंसानों वाले कैप्सूल को दूर लेके जाता है, उसे रिलीज करते हैं, और वो खुद टावर भी खुद के इंजन फायर करके और दूर लेके जाता है खुद को। फिर ये कैप्सूल पैराशूट्स ये करके लैंड करता है सेफली, और फिर हमारी नेवी या कोस्ट गार्ड जाके बचाएंगे उन्हें समुन्दर से, राइट? इसे कहते हैं पैड अबॉर्ट। बट अभी उड़ते उड़ते हुआ तो सपोज LVM3 उड़ रहा है और तभी कुछ प्रॉब्लम हो गया रॉकेट में, उसने इसके इंजन चले गए, उसका थ्रस्ट चला गया, फिर क्या करोगे? इस केस में हमें करना होगा एक IFA, यानी इन फ्लाइट अबॉर्ट, यानी उड़ते उड़ते ही मिशन को अबॉर्ट करना होगा, और ये ऊपर का टावर फायर करके दूर लेके जाना होगा। पर अभी देखो, इसे टेस्ट करना है तो हम LVM3 पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये रॉकेट बहुत ज्यादा महंगा है, राइट? और एक टेस्ट से तो होगा नहीं हमारा, हमें बहुत सारे टेस्ट करने हैं। तो कितने बार, कितने हजारों करोड़ हम स्पेंड करेंगे इस रॉकेट के ऊपर, पॉइंट नहीं है। इसलिए इसरो ने काफी कूल, सस्ता एक बजटरी वे ढूंढा है इस प्रॉब्लम को टैकल करने का, और वो है ये टेस्ट व्हीकल। अब तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करो। इस व्हीकल का नाम सिंपल रखा है टेस्ट व्हीकल TV, और जो D1 या सिग्निफाई करता है Development 1 या Development Flight 1, ये कॉमन नॉमेनक्लेचर इसरो का। बहुत बार वो D1, D2, D3 आपने सुना होगा, ऐसे ही रखते हैं फर्स्ट लाइट्स को। ये रॉकेट देखते आपको शायद फेमिलियर लगे, क्योंकि ये डिराइव्ड है GSLV Mark 2 का जो साइड बूस्टर्स है। आपने देखा होगा चार साइड बूस्टर्स है GSLV Mark 2, या अभी उसका नाम जस्ट GSLV कहते हैं। उस बूस्टर्स का नाम L40 है, यानी लिक्विड स्टेज विद 40 tons ऑफ प्रोपेलेंट। वो एक फुल्ली लिक्विड स्टेज है, इसमें कोई सॉलिड वगैरह नहीं है। ऑल्दो वो पूरा बूस्टर नहीं इस्तेमाल हो रहा है, बस टैंक स्ट्रक्चर काइंड ऑफ यूज हो रहा है, क्योंकि विकास इंजन अगर आप देखो तो उसका नोजल वगैरह छोटा है, उसका शॉर्ट नोजल है, वो ज्यादा सी लेवल के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, प्लस उसके ऊपर ज्यादा कंप्यूटर्स वगैरह होंगे खुद के कंट्रोल करने के लिए, तो एक नया रॉकेट ही समझ सकते हैं हम इसे। अब इसका टावर ढंग से देखते हैं। हमने तभी लूजली तो देख लिया, टावर कर रहे, तब टावर पे आग लगी। ढंग से देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। ये उसका फोटो है, ठीक है। अब ग्रिड फिन्स तो है ही, उसका पर्पस बोलूंगा, पर ग्रिड फिन्स के अलावा आप चार अलग सेट्स ऑफ होल्स देख सकते हो। ये चार अलग इंजिन्स है यहाँ पे जो मैंने मार्क किए वीडियो में। अब समझा तो हमें एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चल रहा है। अभी ग्रिड फिन्स की बात कर लेते हैं पहले। काफी सारे मैंने देखा मिसलीडिंग यूट्यूब वीडियोस चल रहे हैं ग्रिड फिन्स का काम क्या है। ग्रिड फिन्स जब वो फायर करेगा, ठीक है, जब अबॉर्ट फायर होगा, और हमने ये वीडियो लाइव स्ट्रीम में भी देखा, तभी ग्रिड फिन्स ओपन होंगे स्टेबिलिटी के लिए। देखो, हम चाहते हैं कि व्हीकल के नीचे ज्यादा ड्रैग हो, ज्यादा एयर ड्रैग हो, ताकि व्हीकल स्टेबल रहे, क्योंकि बहुत जल्दी वो उड़ने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है कि नीचे पैसिवली स्टेबल रहे ये पूरा सिस्टम, इसलिए ग्रिड फिन्स इंपॉर्टेंट है। और हमने ये लाइव स्ट्रीम में भी देखा, आई होप ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियो चल रहा है कि कैसे ग्रिड फिन्स डिप्लॉय हुआ सेपरेशन होते ही। उसके बजाय अगर हम इंजिन्स को देखें तो काफी कुछ चल रहा है यहाँ पे। जो ग्रिड फिन्स के साइड में ही जो चार ऐसे बड़े बड़े इंजिन दिख रहे हैं वो है हेम, यानी हाई ऑल्टीट्यूड एस्केप मोटर, ठीक है। ये इसके ज्यादा बड़े नॉजल्स है, ये ज्यादा ऊपर फायर करने के लिए बना है जब रॉकेट उड़ रहा है 15-10 किलोमीटर के ऊपर। एग्जैक्ट किलोमीटर नंबर मेरे को नहीं पता, बट इस पूरे सेक्शन के ऊपर अभी बाकी तीन लगे
इस टावर के ऊपर राइट। अगर आप ढंग से देखो तो जो बाहर आ रहे वो है लेम यानी लो ऑल्टीट्यूड एस्केप मोटर। ये ग्राउंड के ऊपर फायर होंगे जब ग्राउंड के ऊपर अबॉर्ट होगा। इसमें बहुत ज्यादा थ्रस्ट है कम्पेयर टू हेम। और जो पैड अबॉर्ट टेस्ट आपको दिखाया था आपने उसमें देखा होगा लेम और हेम दोनों फायर हुए थे साथ में। अभी जैसे मैंने आपको प्रीवियसली कहा जैसे ही ये पूरा स्ट्रक्चर क्रू मॉड्यूल को लेके दूर चले जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स को लेके वो थोड़ी देर बाद एस्ट्रोनॉट्स को सेपरेट करेगा राइट ताकि वो पैराशूट से गिर सके। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेपरेट होने के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर उससे टकराए। तो उसके लिए एक और छोटे मोटर के ऊपर जो है CJM यानी क्रू जेटिसन मोटर्स जो इस पूरे चीज को और दूर लेके जाएंगे। तो यार दो स्टेप्स हो रहे हैं। एक तो हम ये पूरा टावर क्रू को लेके दूर जा रहा है फिर वो सेपरेट कर रहा है और खुद को भी दूर लेके जा रहा है। और जो एकदम छोटे छोटे ऊपर जो है वो है पिच मोटर्स यानी हम थोड़ा पिच करके चेंज करना चाहते हैं हम कहां जाए। पिच मतलब आगे मुड़ना आगे बेंड होना जो पिच मोटर्स काम आएंगे। उस केस में भी दो है हाई अल्टीट्यूड एंड लो अल्टीट्यूड। आप ये डायग्राम देख सकते हो एकदम ब्लो अप वाला आपको समझना है। तो इस मिशन का प्रोफाइल बहुत सिंपल था TVD-1 का। करीब 16 किलोमीटर ऊपर जाना था 60 सेकंड में पहुंच जाता है वो एंड देन इंजन शट डाउन हो गया रॉकेट मतलब अबॉर्ट सिनेरियो हम पहुंच जाएंगे। एंड वो हुआ जैसे देख सकते हो लॉन्च एकदम क्विक था मतलब एकदम वो कैमरामैन ढूंढते रह गया क्योंकि बहुत ज्यादा क्विकली वो लिफ्ट ऑफ कर गया और वेदर भी वहां ठीक नहीं था। फिर 60 सेकंड्स बहुत वो पहुंच गया 16 किलोमीटर अबॉर्ट ट्रिगर हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे वो पूरा सेपरेट हुआ टावर फायर हुआ और आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ हेम दिख रहा है राइट। ये जो ऑरेंज कलर है वो हीट शील्ड का सेक्शन है। हीट शील्ड लगा नहीं था इसके ऊपर क्योंकि हम बहुत ऊपर नहीं जा रहे राइट 17 किलोमीटर हीट शील्ड लगेगा नहीं। वहां पे वो फायर हुआ और हेम दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। ये जो टीवी टेस्ट व्हीकल का अंदर का कैमरा है एकदम काफी कूल फुटेज है ये। लेम फायर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ लेम की जरूरत नहीं थी। लो ऑल्टीट्यूड नहीं था वो हाई ऑल्टीट्यूड था। फिर आप देख सकते हो क्रू मॉड्यूल सेपरेट हुआ CJM फायर करके उसे दूर लेके गया एंड देन पैराशूट फायर हुए। पहले ड्रोग शूट फायर होता है 16 किलोमीटर पे। ड्रोग शूट मतलब वो छोटे पैराशूट होते हैं पर वो ज्यादा स्पीड को सहन कर सकते हैं तो हम वो इनिशियल स्लो डाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद करीब 2 किलोमीटर के आसपास पहुंचने के बाद ड्रोग शूट को निकाल दिया गया और मेन पैराशूट जो है बड़े वाले 3 वो फायर मतलब वो खुल गए। आप देख सकते हो कैप्सूल थोड़ा टेढ़ा लग रहा है क्योंकि अगर हम डायग्राम देखें तो सब पैराशूट एक एंड पे लगते हैं कैप्सूल के एक कॉर्नर पे लगते हैं। एनीवेज मेरे को पैराशूट ये पूरे सिस्टम के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाना है क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड है खुद में। इस पूरे चीज को ज्यादा टाइम लगा देन इसरो एक्सपेक्ट कर रहा था। आई थिंक विंड्स की वजह से भी उनका टाइमिंग चेंज हुआ था। जैसे ही वो लैंड हुआ स्प्लैश डाउन हुआ पानी में तुरंत इंडियन नेवी के टीम रिकवरी एरिया पे पहुंच गए। उसे अप्रोच किया उसे शिप पे डाला और उसे फिर पोर्ट ले आए। इंडियन नेवी ने काफी सारे पिक्चर्स भी शेयर किए थे ट्विटर पे। फाइनली रियल जब होगा लॉन्च 2025-2026 जब भी है तब इंडियन नेवी ही हेल्प करने वाली है अलग अलग लोकेशंस पे। शायद ऐसे और 4 एटलीस्ट टेस्ट होंगे उससे भी ज्यादा होने हैं। मैं डिटेल्स का वेट कर रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। और जैसे मैंने कहा रीयूजेबिलिटी ये इसी टीवी रॉकेट को ही लैंडिंग लेग्स लगाने वाले है वो और एक छोटा सा नोज कोन और फिर वो बनेगा एडमायर जिसके ऊपर इसरो काम कर रहा है। लास्ट टाइम मैंने जब सोमनाथ सर को इंटरव्यू किया था तभी भी उन्हें कहा था कि जोरों शोरों से प्रोग्रेस चल रहा है एडमायर के ऊपर। ये प्लेटफॉर्म उन्हें वर्टिकल लैंडिंग का डेटा देगा वर्टिकल प्रोपल्सिव लैंडिंग का जो फिर NGLV को यूज होगा। ट्विटर पे भी मैंने स्पेकुलेट किया था मुझे नहीं पता हुआ है कि नहीं बट उन्हें चांस था काइंड ऑफ कोई तो पार्ट ऑफ उस टेस्ट का इस मिशन के साथ करने का क्योंकि 60 सेकंड्स ही बर्न टाइम था राइट। इससे ज्यादा फ्यूल अगर भरा है तो शायद वो एटलीस्ट विकास इंजन का रिस्टार्ट कर सकते थे या कुछ तो नॉट श्योर कुछ तो किया होगा पता नहीं बट हाँ इंटरेस्टिंग तो है। आई होप आपको समझा एंड कुछ नया सीखने मिला। स्पेशल थैंक्स टू शिखर कार्तिकेय देवाल जयम शर्मा रोहित सुवर्ण नारायण प्रसाद चैतन्य प्रदीप मोहनदास तन्मय देशपांडे निशान कुमार विशाल भारत हाइड्रेटिंग सिद्धार्थ कृष्णन कृपल पटेल निशान प्रजापति सोनक पेरनी निसर्ग मानकड़ विवेक सिंह संजोत कावड़े कृष्णा स्पार्क 164 कुमार अखिल शिवा नीलम बुट्टा सिंह किल द टाइम विपुल वैभव चंद्र सिंह श्रीकांत कापड़ी पार्थ भादेका सिरिमुस पैकेट बोर्ड ETBM कार्ति तात्या विंसू रजत देशपांडे उर्मी भांबानी पीपी और कुछ एनोनिमस।